अभी और भी पूछताछ करेगी। जब इंडिया न्यूज टीवी 24 लाइव की टीम गोंडा जनपद के सद्दाम शेख के घर पहुंची तो उसके पत्नी रुबीना ने सद्दाम के बारे में और क्या कुछ कहा, देखें यह खास रिपोर्ट। आपको तब तक भनक थी नहीं थी? नहीं भनक, परसों भी नहीं थी। हाथ याद आ रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुबीना है। क्या पता चला, पूरी बात बताइए। जी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं की लड़की, यहीं पर शादी हुआ और करणपुर रेशम फार्म पे, और हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। इनको एक आदमी लालापुरा का लेकर आया, भुजवा है, राकेश नाम है उसका। फिर उसी ने लाया यहाँ पे, संपर्क हुआ, घर वर लिए, जमीन लिए, घर बनाए, शादी किए और हम लोग साथ में ही रह रहे थे। इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। किससे शादी? सद्दाम से। कब लेके आए? लगभग 2005 में। अब क्या पता चला? अब पता चला हमें परसों कि वो जेल में बंद है। कल मीडिया द्वारा पता चला कि वो गिरफ्तार हो चुके आतंकवादी में। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। तो यहाँ पर उनका कार्ड वार्ड कैसे बना, आधार कार्ड? यहाँ पर उनका कार्ड प्रधान प्रमाणित किए तब बना। कितने बच्चे? 3 बच्चे। यहाँ जब रहते थे तो क्या करते थे? यहाँ कुछ नहीं करते थे, यहाँ पर बस घर पे ही रहते थे। लैपटॉप वगैरह कुछ चलाते नहीं थे? कुछ नहीं। कुछ लोग मिलने आते? कोई नहीं आता था। आपको ये जानकारी कब मिली कि वो ऐसे है? हमें जानकारी कल मिली। अभी वो कहाँ थे? अभी वो कहाँ, शायद जेल में। नहीं, इससे पहले क्या कर रहे थे? गाड़ी चला रहे थे। कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, बाहर, वो कहीं पर भी जा सकते हैं गाड़ी लेकर। बाहरी आदमी हैं जी? बाहरी हैं, यहाँ के निवासी? गोंडा के? नहीं नहीं। तो शादी कर लिया आपने? सबने कहा, बुजुर्ग ने, कि अच्छा लड़का है, बहुत सीधा साधा है, शादी कर दो। आप कहाँ रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले हैं। ये जहाँ इसमें बाहर जहाँ काम करता था वहाँ से आपको कुछ पैसा वैसा भेजा करता था? हाँ साहब, 5-6 हज़ार रुपये महीना, 7 हज़ार खर्चा देते थे। कैसे बात आप करती थी? कैसे? पड़ोसी के फ़ोन पे आता था जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़े, बाकी बीच में फ़ोन ऑन नहीं करते थे। आपके पास फ़ोन नहीं? नहीं था हमारे पास फ़ोन, था वो लेकर चले गए थे हमारा फ़ोन। तो ये कैसे हुआ है, आपको कुछ जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं है हमको साहब। कैसे इन सब गतिविधियों में शामिल? नहीं पता हमको। लास्ट कब आए थे यहाँ गोंडा? कब यहाँ पे? यहाँ अक्टूबर में आए थे, फिर दिसंबर में चले गए। उसके बाद से? नहीं, फिर नहीं आए। तो अब कितने बच्चे? 3 बच्चे। कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ मदरसा में, गाँव में। कितने बड़े बड़े हैं? एक 11 साल का है, एक लड़की है, 9 साल की है, छोटा वाला लड़का 7 साल का। तो ये सब जो आपको पता चला है अपने पति के बारे में, तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में? आपका क्या कहना? हम क्या कहें साहब, अगर ये सही है, हकीकत है, कि अगर वो ऐसा है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं सब, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। अगर वो हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी सज़ा। शादी हमारे एक खान साहब थे सुल्तानपुर के, यहीं पर नौकरी कर रहे थे फार्म में, और एक कल्लन प्रधान थे पठानपुरा के, एक सद्दाम थे।